और वो चीज़ का नाम है एक विदेजर ट्रेडिंग हॉल। सो गाइस यार, जैसा कि आपने देखा कैसे हम लोग ने पिछली वीडियो में फॉर्च्यून 3 कलेक्ट करके अपनी पिकेक्स में लगा ली थी और हमारा उस वीडियो का गोल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। बचा था तो सिर्फ एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना। तो गाइस ये रही उसके आगे की कहानी। तो गाइस वो ना ही एक विलेजर ट्रेडर होगा, मतलब विलेजर ट्रेडिंग हॉल होगा, ना ही एक होगा विलेजर ब्रीडर, मतलब ऐसी जगह होगी जहाँ पे विलेजर्स रह सकें और उनसे हम लोग बिना किसी उसके मतलब बिना किसी डिफिकल्टी के ट्रेड कर सकें। तो उसके लिए डेविल ने मतलब जब ये डायमंड माइनिंग गया था तब मैंने इसे सामान मंगा लिया था, मैंने भी कर लिया था, लेकिन अभी बहुत सारा सामान इसमें बाकी है, जैसे सैंड हो गया और अभी हम मुझे स्प्रूस के लॉग भी चाहिए। स्प्रूस की बायोम पीछे ही है और मैंने देख के आया था जब मैं शुगर केन लेने गया था लेक्टन के लिए, तब मैं देख के आया था स्प्रूस की बायोम पीछे ही है, तो चल के वहाँ से स्प्रूस ले आते हैं। लेकिन रात भी हो रही है, दिन करके जाना पड़ेगा, रात में जाऊंगा तो भैया क्रीपर ही क्रीपर मिलेंगे यार। सो गाइस इसी मतलब इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग 100-200 ब्लॉक चलेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मैंने 4 बायोम एक साथ ढूंढी थी। चलते हैं देखते हैं, वहाँ पे वही है कि मैं भूल गया हूँ रास्ता, ये तो वहीं जाके ही पता चलेगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यही है वो स्प्रूस की बायोम जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे बगल में शायद डार्क ओक भी थी कहीं मैंने देखा था, और यहाँ पे बर्च फॉरेस्ट भी है। देख सकते हो आप लोग एफिशिएंसी 5 कितनी फास्ट है, मेरे को 1 सेकंड हुआ नहीं मैंने पूरा पेड़ माइन कर लिया यहाँ पे। जल्दी से चलते हैं, 2-3 स्टैक वुड ले लेते हैं ताकि अपने उस बिल्ड में मदद करे और डेविल को भी थोड़ी सी ट्रेडिंग के लिए मिल जाए। एवरीवन यहाँ पे आ जाती है एक प्रॉब्लम, क्योंकि इसके बीच में जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी सब हो जाती है करप्ट, और उन सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देख के मेरे को नहीं लगता कि वो अब प्ले करने की हालत में है। सो गाइस ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने इस बेट को बनाने की शुरुआत कर दी थी और यहाँ पे मैं 2 वुड के टाइप्स में कंफ्यूज था कि मैं या तो चेरी यूज़ कर सकता हूँ या तो स्प्रूस यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे अच्छे लग रहे थे। तो गाइस यार बाद में मैं चेरी प्लैंक्स के मतलब चेरी लॉक्स के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे एकदम सूट कर रहे थे, स्प्रूस वाले थोड़े डार्क हो जा रहे थे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे। सो गाइस यार सॉरी इस फाइल करप्शन के लिए, और अगली बार से मैं डबल चेक करके रखूँगा सब रिकॉर्डिंग करने से पहले, और अब बिना टाइम वेस्ट कि अपने इस बिल्ड को कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यार फाइनली कंप्लीट हो चुका है पूरा ये हमारा विलेजर हॉल, और अभी देखने में तो ये ऐसा लग रहा है, ज़्यादा डेकोरेशन की नहीं है। इसका गेट अभी तक इसलिए नहीं बना है क्योंकि जब तक हम लोग पूरे विलेजर्स को अंदर नहीं डाल देते तब तक गेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर एक बार गेट बन गया और विलेजर्स नहीं आ पाए उनको अंदर डालने में बहुत मुश्किल होती है, और अगर मैं गेट बना दूंगा तो फालतू में तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी अभी, और इससे अच्छा है कि मैं अभी गेट ना बनाऊँ। तो ये हो चुका है हमारा पूरा बन के रेडी, अपने डेविल भाई भी यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, और अंदर से भी ये कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे भी 1-2 लैंटर लगानी है, पता चले कोई क्रीपर स्पॉन हो और पूरी मेरी मेहनत पानी में डाल दे। जैसे अभी डेविल भाई फिर से मेरे पीछे पड़ चुके हैं, मेरा लैग भी हो रहा है, ये चिकन की वजह से पूरा लैग हो रहा है। ए नहीं 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 और आउट हो तो कर देते पहले, अभी से मारना शुरू कर दिया भाई। खाना खाते हाइट बजा लेता हूँ, और हाँ गाइस इसको बनाने के चक्कर में मेरी चेस्ट प्लेट पहले से टूटी थी, वो तो गायब ही हो गई समझ लो, आर्मर भी गायब हो चुका है भाई लिटरल। तो गाइस यार चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करे बिना ना जाना, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे नहीं पढ़ा।